Hello friends, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your CS June 2024 exams. So exams जो हैं वो कुछ ही दिनों में आने वाले हैं. So I am here with a very useful video जो आपको 15 मिनट एग्ज़ाम से पहले मिलने वाले हैं. उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करें ताकि आपका पास जो है वो पक्का हो जाए, राइट. सो इफ़ यू न्यू टू माय चैनल, हाय आई एम सीएस जसप्रीत धंजल. आई एम एन अकेडमी प्लस एजुकेटर फॉर CSEET एंड प्रोफेशनल स्टूडेंट्स एंड हियर आई गाइड CS, CSE, CMA स्टूडेंट्स ऑन हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर विद प्रेजेंटेशन टिप्स एंड ट्रिक्स. सो प्लीज़ फील फ्री टू चेक द कॉन्टेंट आई क्रिएट एंड हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू इट सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड अ वीडियो यू गेट नोटिफाइड. आपको पता होगा कि अभी एक्चुअली हमारे CS एग्ज़ाम्स में तो कुछ ही टाइम से ये हुआ है कि 15 मिनट्स एग्ज़ाम से पहले देने शुरू कर दिए हैं, ठीक है. तो इन 15 मिनट्स को कैसे बेस्ट यूटिलाइज़ करें फटाफट से मैं आपको बताऊंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी. सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, 15 मिनट्स ना हमें तब मिलते हैं व्हेन वी रीच द एग्ज़ाम हॉल एट टाइम, ठीक है. बहुत सारे बच्चे पहले तो घर से ही नहीं निकलते, ठीक है, या फिर यू नो टाइमली नहीं पहुँचे या वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में जाके भी ना बाहर बैठे रहते हैं. दे डू नॉट एक्चुअली गो एंड सेट इन द क्लासरूम, राइट. वो सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती है. डोंट डू ऑल दीज थिंग्स. सिंपल सी बात है. देखो एग्ज़ाम हॉल में एक तो पहले तो टाइम पे पहुँचो, राइट. दूसरी चीज़ है कि क्लासरूम के वहाँ बाहर मत बैठे रहो बट गो इन साइड एंड यू नो गो अहेड एंड सेट इन द क्लासरूम, राइट. बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें. तो एग्ज़ाम हॉल में जो है यू नीड टू रीच द एग्ज़ाम हॉल एट टाइम. पहली चीज़ तो ये, तभी 15 मिनट मिलेंगे. 15 मिनट्स में सबसे पहले आपको क्या चीज़ मिल जाता है, क्वेश्चन पेपर, ठीक है. वो होता है क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम, ठीक है. तो क्वेश्चन पेपर मिलते ही आपने क्या चीज़ सबसे पहले रीड करनी है, वैसे तो मैं बोल के अभी थक चुकी हूँ बट स्टिल आई वुड रिपीट फॉर ऑल ऑफ यू, वो है इंस्ट्रक्शंस, ठीक है. सबसे पहले आपने इंस्ट्रक्शंस रीड आउट करने हैं. इंस्ट्रक्शंस में आपने देखना है, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन मैंडेटरी है, कौन सा ऑप्शनल है, राइट. वो सारी चीज़ों की क्लैरिटी आपको होनी चाहिए. कितने क्वेश्चन टोटलिटी में करने हैं, ठीक है. वो तभी पता चलता है जब ऑप्शनल वाला स्टेटस आपको पता चले कि किस में आपको ऑप्शन होते हैं. इंपॉर्टेंट चीज़ है. बहुत सारे बच्चे सोचते हैं अरे ये तो फालतू की चीज़ है, कोई बात नहीं, ऑल्टरनेटिव्स अटैम्प्ट करके आ जाते हैं, मतलब जैसे मर्जी मन करता है अटैम्प्ट कर देते हैं. देखो मार्क्स आपको तरीके से मिलते हैं तो ऑप्शन जो है वो जितना ऑप्शन है जितना रिक्वायर्ड है उतने ही लिख करके आने. ये नहीं है कि अगर उन्होंने बोला है कि 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 6 तो आप 6 के 6 अटैम्प्ट कर दो और सोचो कि कोई बात नहीं एक गलत होगा तो हमें दूसरे का मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है. थोड़ा सा याद रखना कि 5 क्वेश्चन के ही फिर भी आपको नंबर मिलेंगे. तो इसलिए सबसे पहली चीज़ मैं आपको बोलूँगी बिल्कुल काम एंड पीस ऑफ माइंड से इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट करना है, ठीक है. वंस यू आर डन विद द इंस्ट्रक्शंस, अब आपको पता चल गया कि कितने क्वेश्चंस करने हैं, ऑप्शंस हैं, एवरीथिंग. नाउ स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चंस वन बाय वन व्हाइल कीपिंग इन माइंड कि जितने भी ऑप्शन में मुझे छोड़ने हैं, ठीक है, वो आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए. अगर नहीं समझ आता तो एक बार एक पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो अगर कभी नहीं सॉल्व किया, बिकॉज ICSI में ना मुझे क्वेश्चन पेपर्स कई बार थोड़े से ना कंफ्यूजिंग लगते हैं एग्जीक्यूटिव लेवल पे, क्योंकि वो बीच में ही ऑप्शंस होते हैं कई बारी. सो गो हैड एंड सॉल्व वन पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, इट विल हेल्प यू, राइट. क्वेश्चंस रीड करना शुरू करो बिल्कुल पीसफुल एंड काम माइंड से रीड करने, क्योंकि उन 15 मिनट का टारगेट ये होना चाहिए कि हम क्वेश्चंस को थरली रीड करें और ये जानने की कोशिश करें कि इंस्टीट्यूट पूछना क्या चाहती है, ठीक है. सबसे ज़्यादा गलती बच्चे क्वेश्चन रीड करने में लगाते हैं, ठीक है. क्वेश्चन रीड पहले तो फुल्ली रीड ही नहीं करते. 15 मिनट में क्वेश्चन को पूरी तरीके से रीड करना है, ठीक है. यू नीड टू अंडरस्टैंड इंस्टीट्यूट क्या पूछ रही है, ठीक है. कभी कभी एक क्वेश्चन में ही मल्टीपल क्वेश्चंस अटैच्ड होते हैं. देखो जहाँ तो पॉइंट वाइज दिए होते हैं A, B, C, D वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती. जहाँ ऐसा है ना एक क्वेश्चन लिखा फुल स्टॉप फिर दूसरा क्वेश्चन साथ ही में स्टार्ट हो गया, नॉर्मली बच्चे इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट ही नहीं करके आते, राइट. एंड लेट मी टेल यू दोनों ही मार्क्स कैरी करते हैं, ठीक है. तो मार्क्स आपको मिलेंगे ही नहीं, ठीक है. तो मतलब थोड़ा सा ध्यान देना है. मल्टीपल क्वेश्चंस हैं तो ध्यान देना है कि मैंने दोनों के आंसर देने या तीनों के आंसर्स देने. कई बार 3-3 क्वेश्चन साथ में लिखे होते हैं. जो यहाँ पे मार्क्स लिखे होते हैं ना बेटा वो बाइफर्केटेड होते हैं उन 3 क्वेश्चन में. सो बी वेरी केयरफुल टुवर्ड्स इट, राइट. सो फुल्ली रीड करना, मल्टीपल क्वेश्चन रीड करना, मतलब कि क्वेश्चन रीडिंग के ऊपर इधर उधर नहीं देखना, किसी की शक्ल देख लूँ, पेपर डिफिकल्ट है, ईजी है, भूल जाओ सब कुछ। अभी पेपर को खाली अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चंस को सोच सोच के साथ में आंसर्स प्लान करो, ठीक है, इसमें क्या आंसर आएगा, दिमाग में, सब कुछ दिमाग में होना चाहिए, आंसर्स आपने प्लान करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस को मुझे लगता है कि 15 मिनट का सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन तभी होता है जब हम क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करते हैं, थरली रीड करते हैं, पूरे तरीके से रीड करते हैं। अब रीड करने का फ़ायदा ये है, अब हमें पता चल गया कि ये क्वेश्चंस है, ये पूछा गया है। चूज़ और प्लान विच क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट। अब ऑप्शंस तो आपके पास होते ही हैं, ठीक है, तो उस दौरान आपने साथ साथ में दिमाग में सोचते रहना है कि अच्छा ये वाला। अब नॉर्मली क्या होता है ना, ऐसा कभी होता नहीं कि हमें सारे ही क्वेश्चन आते होते हैं, राइट, बहुत रेयर बात होती है, लेकिन हमें ये ज़रूर पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन तो मुझे आता ही नहीं है। तो जो तुम्हें लग रहा है ये मुझे नहीं आता, या ऑप्शन को छोड़ना है, वहीं पर प्लान कर लो, राइट, इट रियली हेल्प्स। अगले 3 घंटे आपके इतने बढ़िया से आप पेपर दे पाओगे अगर आप शुरुआत के 15 मिनट में ये प्लान कर लोगे दैट विच क्वेश्चंस टू एक्चुअली अटेम्प्ट। उसके बाद टाइम वेस्टेज नहीं होता ना, अब आपको पता चल गया कि यही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा। सो प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल एंड कॉशियस टूवर्ड्स इट, कि आप तभी प्लान कर लो कि कौन से क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं। 15 मिनट जो मिलते हैं क्वेश्चन रीडिंग के, क्वेश्चन पेपर रीडिंग के, उसको जो बच्चा अच्छे से यूटिलाइज कर लेता है ना, उसका पेपर बहुत ज़बरदस्त होता है, राइट। सो दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट, कि 15 मिनट में आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करना है और प्लान कर लेना है कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और बस जैसे ही 15 मिनट खत्म होते हैं, स्टार्ट अटेम्प्टिंग योर पेपर, बस आंसर्स लिखने शुरू कर दो, ठीक है, दैट इज इट। बट 15 मिनट जो है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो और कोशिश करो कि तभी आप सब कुछ प्लान कर लो कि आगे पेपर को कैसे एग्जीक्यूट करना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इफ यू हैव नॉट डन it yet, you can follow me on my social media handles also. All are given in the description box below, and I'll see you super soon in another video. Till then, stay happy, stay blessed, and take my lots and lots of wishes for your exams. And I'll see you super soon in another video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep your preparations on. Bye bye.